हजरत शम्मास बिन उस्मान हजूर तो इंज करके दिफा किया मैदान इंज करके इंज भी मेरी उंगली भी बड़ी आस्ता चल रही जी कोई मशीन हो भी शायद आस्ता चले हजारा तीर जदों हजूर वाल चले तो इंज हजूर देर गिर्द घूम के उन्होंने हजूर का दिफा किया कोई इतने लग गया कोई इतने लग गया कोई इतने लग गया इतने लग गया कोई इतने लग गया आप शहीद हो गए लेकिन हजूर की तरफ एक तीर नहीं आन दे इमाम बसीरी फरमाते हैं फसल होना इनम वसल बदरम वसल ओहदा ओद को पुछते सही होना शम्मास बिन उस्मान को वेख्या मैं आख इकबाल और दस ए कौमे मूसा तो घरों ना निकली और मन नाल आसमानी हलवे खा के ना निकली तो सहाबा पेट ते पत्थर बन के ते तय बंद बन के कपड़े भी पूरे कोई नहीं सन हजूर का इंतफा किंज किया कह लगा तेरी निगाहे नासे दोनों मुराद पा गए तेरी निगाहे नासे दोनों मुराद पा गए हजरत अबू दुजाना इंज रसूलुल्लाह ते जोग गए इंज करके हुजूर इंज करके अज कहते मौलवी खादिम बड़ा कीमती जे ये मर गया तो फिर की होना मैं इतने तुहाड़ी बुज़दिली दूर करन वास्ते ना एक गल करन लगा कौल खालिद इब्न वलीद मैं जो मुल्क के शाम गया ना तो मैं हिम्स हजरत खालिद बिन वलीद की कबर से हाजिर हो गया जूम उठा मैं क्या मेरे जब बुज़दिल अज यह जो शख्सियत के सामने आया जिदियाँ टंगा सारी जिंदगी कमदिया रही तकरीर भी चज दी ना कर सकया चूँकि चौधरी बैठे हैं चूँकि MNA साहब है चूँकि हुकूमत फलां की है तो PTI की है तो गंजों की है तो जनाब वाला दी है चूँकि ऐसे है तो चूँकि उनका MNA बैठा है तो मौली साहब ने फिर उत अमन की तकरीर की थी क्योंकि अगर हजूर का हक दीन बयान करोगे तो फिर तो MNA नहीं रहना पता है उन्हें कितना बड़ा गढ़ गापे हो हाँ जी उन्हें हजूर की उम्मत का कितना कितना माल खा दिया उत गल ये तो नहीं ना करेगा कि उमर को पूछा गया दसो जी यह रस्सी किधर गई एक साल तो बाद हजरत उमर अपने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की खाब में आए अपने पुत्र दुआ मंगते रहे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर या अल्लाह मैंने अपने अब्बा जी उमर वेखा साल तो बाद हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते मैं वेख्या तो मेरे अब्बा जी पानी पानी होए पसीने तो मैं आखा अब्बा जी की गुजरी कह लगा पुत्रा ना पुछ मेरे दौरे हुकूमत एक रस्सी गुम हो गई सी कौमी खजाने की तो चोरी भी नहीं सी हुई डाका भी किसी नहीं मारिया बद्यांती भी नहीं हुई समान मुंतकिल होंदया रस्ते किधर रस्सी डिग पई ते रब ने पूछ लिया रस्सी का हिसाब दो असा बादशाह यह जो इस्लाम बयान किया भाई हजूर की उम्मत लुट के खाओ रिश्वत खाओ हराम खाओ दो नंबर माल वेचो जमीन ते कब्जे करो जनाब पानामा लीक्स बनाओ फिर भी हजूर रहमत अली लाल अमीन है हाँ तो मैं आखा हजरत उमर न एक रस्सी तो पूछ लिया गया ऐ इस्लाम है जरा किसी के बारे च कोई नहीं हाँ इस्लाम लोग इतने ही चाहते जिदे ढिड चले अब 2018 में इस्लाम को तख्त पर लाना है हाँ जी बस मैं कभी भी नहीं कहा मौलवियां पीरां नूं लियाओ तख्त उते तुसी आओ लेकिन उते पता लगे मुहम्मद अरबी का गुलाम बैठा आना तुसी है हाँ मैं तो आना सच्ची मैं मेरी ड्यूटी ला देना डी चौक मैं सरफ पढ़ा रहा बिल्कुल मैं जी सरफ तुम पढ़ाई यही आना मा यो ने मैं नाम अनफा मुने मुनवा ने मा यो ना मैं नाम अनवा का मुन राम यो ने मैं पढ़ा रहा अनफा का यून इनफा अकफा व मुन गफर यकफर कुफर अनफा व काफिर क्यों जी खत्म यख्तम खत्म अनफा व खातिम आमन यो मिनु ईमान ला यो मिनून क्यों जी ए सारे मैं जनाब अलहमदो तो लैके वरनास तक पूरा तुहाड़े बच्चे नु कुरान पढ़ा देंगे सरफ पढ़ा देंगे आपू तर्जमे करे हो जना आपू दसणगे नहीं जी नहीं मौलाना साहब व मिन अन्नास से इतने सीन थले जेर पढ़नी क्यों जी क्यों हरफे जर दाखिल मैं सुना रूफे जारा कितने भाई बाहो ताओ काफुल सुना ना यार हाँ हाँ वह जी 17 होने जी अरबी जबान है जेड़े पिछे आ जाते अगले अरब जेर दे देने दे। असी बैग उ जेड़ा लेकिन जेड़ा भी वजीर उतो गुजरेगा उन्हें कहा ठहरो हदीस रसूल सुन के जाए तुम समझ आई ऐ जितनी भी MA अरबी बैठे तो कोई प्रोफेसर बैठे हो तो नाराज ना हो पंजाब यूनिवर्सिटी तो पांच लख रुपया तनखाव लेंदे तो पढ़ाते पता है कि रा यरा रुयतन फवराइन व रुइया युरा रुयतन फजाका मर इयुन 40 मिनट के मुंडे तरखा के उत्थे जाने असी पता है किवें पढ़ावे रा यरा रुयतन फवराइन व रुइया युरा रुयतन फजाका मर इयुन लम यरा लम युरा ला 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 यु
ਯਰਾ ਯਾ ਨਾ ਲਮਨ ਲਾ ਤੁਰਾ ਯਰਾ ਯੁਰਾ ਵਰ ਨਾ ਲਾ ਤਰ ਲਾ ਤੁਰ ਲਾ ਯਰਾ ਲਾ ਯੁਰਾ ਜ਼ਰਫ ਫਿਰ ਮਰਾਨ ਮਰਾ ਯਾ ਨੇ ਮਰਾ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਪੜਾ ਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕੌਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਓ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ ਹਜ਼ੂਰ ਕਾ ਦੀਨ ਨਾ ਕੋਈ ਅਮਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਨਾ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਦਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਨਾ ਪਿਓ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਨਾ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੁਰਮਤ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਨਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜਾਹਤ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਾਇਨਾਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਰਸੂਲullah ਦਾ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਮ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਸ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਦੀਨ ਹੈ ਕਾਇਨਾਤ ਫਿਰ ਕੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਤਬਾਹ ਠੋਕਰੇ ਸਭ ਕੀ ਖਾਏ ਕਿਉਂ ਅਕਲ ਜੋ ਦਿਲ ਕੋ ਦੇ ਖੁਦਾ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਗਲੀ ਸੇ ਜਾਏ ਕਿਉਂ बस ऐ मेरा ऐ मेरी जिंदगी का मिशन है हुजूर नाल प्यार करना है अन्ने वाह बगैर सोच